बड़हलगंज थाने की पुलिस टीम ने थाने में दर्ज चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से चोरी की गई एक भूसा बनाने वाली मशीन और चोरी करने में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में पीयूष तिवारी पुत्र अजय तिवारी निवासी तितरी और प्रभात कुमार दुबे पुत्र अवधेश कुमार निवासी भरौली थाना लार जनपद देवरिया के रूप में हुई है। इस संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बड़हलगंज थाने में भूसा बनाने वाली मशीन के चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को थाना क्षेत्र के टेढ़िया बंधा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से चोरी की गई भूसा बनाने वाली मशीन को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में उप निरीक्षक जगदम्बा प्रसाद, उप निरीक्षक जुगेश कुमार आनंद, कांस्टेबल अनिल कुमार यादव और नीलेश कन्नौजिया शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना बड़हलगंज क्षेत्र में ये भूसा बनाने वाली एक मशीन है किसान की, वो चोरी हुई थी। उस घटना का अनावरण करके थाना लार देवरिया के रहने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से वो भूसा बनाने वाली मशीन और जिस ट्रैक्टर से उसे खींच के ले जा रहे थे वो ट्रैक्टर, ये बरामद हो गया है। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने हेतु आज प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, इन जो पकड़े गए हैं दोनों चोर, उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? अभी विवेचक इसके बारे में आगे और जानकारी करेंगे इनका आपराधिक इतिहास क्या है, क्योंकि ये लार थाना देवरिया के रहने वाले हैं, तो ये बातें और विवेचना में प्रकाश में आएंगी। फिलहाल अभी इस मुकदमे से जुड़ी हुई जो मशीन थी जो चोरी गई थी वो बरामद हुई।